वेलकम टू सी एस सी एन टेक गाइड। और इस ऐप में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी पर्टिकुलर ऐप को धीरा कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आजकल सभी लोग के खैर घर में ये है कि बच्चे हैं और वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, और हम लोग अब इस खुद का मैं कहूँगी इस लाइन नहीं रहे हैं कि उन लोगों से मोबाइल छीन, देखो कि बच्चे हो गए स्टबर्न, जिद्दी टाइप बच्चे हो गए। आप मोबाइल उनसे ले नहीं सकते हो, मोबाइल लोगे तो बच्चे हाय तौबा कर देते हैं, फिर रो रहे गा रहे। और ये भी गलती कर हमारी कि हमने उन लोग का मोबाइल का एडिक्शन बनाया था, तो अब उसको हटाने का तरीका यही होता है कि ठीक है बच्चे हैं मोबाइल चलाने पर, वो अभी इतने काबिल नहीं हुए कि जो मैं आपको आपको ऐप बता रहा हूँ इसका बोलो तोड़ निकालने कुछ। तो ये एक ऐप ऐसी ही होती है, थ्रॉटल ऐप नाम की होती है। इस ऐप से आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप गेम को स्लो कर सकते हो, उसकी बैंडविड्थ सेट कर सकते हो। बैंडविड्थ मतलब एक होता है जो आपके नेट की स्पीड को जो मैनेज करता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। ये एक सिंपल टर्म में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो भी थोड़ी अगर आप यूट्यूब में गूगल में जाके पढ़ लेना बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है? बहरहाल, तो इस ऐप से आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप को ठीरा कर सकते हो। यूट्यूब हो, पबजी हो, कैंडी क्रश हो, कोई भी गेम, कुछ भी हो भाई। अब बंदा, अब जैसे बच्चा है, हमारा बच्चा है, जैसे पबजी का वो बहुत बड़ा एडिक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? सो रहो बच्चा चुपके, मोबाइल उठाओ उसका, ये ऐप डाउनलोड करो, उसकी बैंडविड्थ सेट करो और इस ऐप को छुपा दो, कहीं ना कहीं सर्च कर दो कौन वो सर्च कर रहा है। और जब वो ऐप चलाएगा तो वो चलेगा नहीं, वो गेम ही नहीं चलेगा। चलेगा तो बहुत धीरे चलेगा, इतनी सेट करो कि वो गेम चले पर बहुत धीरा चले और गेम हैंग करने लगे, तो वो 10 बार सोचेगा मां क्या हो रहा है क्या। जब यही चीज़ें 8-10 बार होंगी तो हो सकता है वो खुद ही वहां से हट जाए, चलो मोबाइल में ऐप ही नहीं चले, कुछ और गेम खेलो। तो ऐसे करते करते आप उसको ध्यान भटका सकते हैं, मोबाइल तो नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन आप उस चीज़ से आप एडिक्शन उठा सकते हो, क्योंकि पबजी का बहुत बुरे इफेक्ट हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हो, यहाँ भी एक माशाल्लाह ऐसा हुआ है, मसला हुआ है कि एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी है पबजी के चलते। जी हाँ, ये जेन्युइन, यहाँ क्या है, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, पबजी गेम खेलते तो उसकी माँ ने मना कर तो उसने अपनी माँ को गोली मार दी, लिटरली गोली मार दी। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक है ये। तो अब रोकने के लिए यही ऐप एक होती है जिससे आप एकदम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप हो सकते हो कि उस चीज़ का एडिक्शन दूर कर दो। यूट्यूब, बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं 24-24 घंटे, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, राइमिंग देख रहे हैं, पोम्स पढ़ रहे हैं, फिल्म देख, छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे ये सब देख रहे हैं 24 घंटे, हिल रहे हैं, ना ग्रोथ हो रही है, ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, बस दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। तो इन सब के लिए ये ऐप बहुत अच्छी है, मैंने खुद ट्राई करी है, मेरी तो काम आ रही है सर। तो ये ऐप आप भी ट्राई करो और जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से अपने घर वालों को बचाओ, ठीक है? तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में बता रहा हूँ कि ऐप क्या है, इंस्टॉल कैसे करनी है और इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जा करके ये थ्रॉटली ऐप होती है, इसको टाइप कर देना, थ्रॉटली ऐप लिख दिया आपने, ठीक है? अब यहाँ पर आपने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर एक ग्लोबल सेटिंग होती है, मतलब ग्लोबल मतलब कि पूरा, कि आप अपने पूरा मोबाइल का सिस्टम, पूरे मोबाइल की एक स्पीड सेट कर दें पूरे मोबाइल की। तो हमें पूरे मोबाइल की नहीं करनी, हमें इसी पर्टिकुलर ऐप की करनी है। आपने यहाँ क्लिक किया, स्टैंड लोन किया और शो सिस्टम ऐप कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे यूट्यूब ले लिया। यूट्यूब की स्पीड मुझे सेट करनी है, मैं चाहता नहीं हूँ कि यूट्यूब देखा जाए, ठीक है? तो ये आप गए, आपने यूट्यूब क्लिक कर दिया, ठीक। अब यूट्यूब क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वाईफाई से जो मैं वाईफाई से जो नेट चल रहा है वो कंट्रोल हो, तो वाईफाई में आपने क्लिक कर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने 50 बैंडविड्थ लगा दी है, ठीक है? 50 लगा दी है, लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको पहले टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैंने इसको करा नहीं है, पहले मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ उसको करके। ये देखिए, ये आपका चल रहा है, और मैं इसकी धीरे वीडियो कर दूँ, यहाँ मैं एक चीज़ दिखा दूँ, 4K वीडियो डाल दूँ पहले, 4K वीडियो, ठीक, जैसे ये है, ठीक है? अरे चल जा भाई, बहुत टाइम ले रहा, चलो यही ले लो, ठीक है, ये तो चल गया, ठीक है? अभी आपका देख रहे हो, ये आपका चल रहा है, सिंपल आपका ये चल रहा है, ठीक। अब जब ऊपर की स्पीड भी देख लो, सही चल रही है, स्पीड में बॉल कोई फर्क नहीं देखा, पर आपकी जो वीडियो जो है ये आपका नॉर्मल देखिए चल रहा है, मैंने कुछ नहीं कराई भी इसमें, ये देख लीजिए, ये अभी नॉर्मल चल रहा है आपका, इसकी भी देख लो 40 पर लगा हुआ है, ठीक। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये ऐप मैंने सेट कर दिया है 50 किलोबाइट पर सेकेंड, ये बैक करा आपने, ये नीचे ब्लू वाला दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक। अब ये आपका यूट्यूब में 50 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड सेट हो गई है। अब बैक आता हूँ, देखिए,
अब देखिए ये तो यहाँ तक तो हो गया है, अब देखिए इसको आगे बढ़ने दिए। ये देख रहे हैं आप, ये इसके आगे ही नहीं बढ़ रहा है। या छोड़िए मैं बैक आता हूँ, कुछ ही सर्च करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए, मेरा यूट्यूब ही एकदम धीरा हो गया है। 50 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड से मेरा यूट्यूब हो गया है। ये देख लीजिए आप, ये तो मेरी सर्च हिस्ट्री पे, ये देखिए। आप यहाँ पर कोई भी क्लिक कर दिए, कोई भी, ये देखिए ना आप, घूम रहा है जो, ये देखिए आपका एकदम धीरा हो गया यूट्यूब। ये देखिए आपका यूट्यूब जो 50 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड से सेट हो गया है, मतलब कि अब जब तक मैं स्पीड इसकी बढ़ाऊँगा ना, तब तक ये 50 किलोबाइट पर सेकेंड की स्पीड से सेट हो गया है। तो ये देखिए आपकी ऐप विद प्रूफ काम कर रही है, ठीक है। ये एक्चुअली पुराना पेज सेट है तभी यहाँ पर दिखा रहा है ये। आप ये देख लो, शॉर्ट्स देख लो, चलो हटाओ, ये देख लीजिए शॉर्ट्स का ये हाल है, घूम रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि स्पीड, ये देखिए ये आया है, ये देखिए धीरे धीरे चल रहा है एकदम, देख रहे हैं आप। अब मैं आपको वो हटा के दिखा रहा हूँ, ये बैक गया मैं और ये जा करके मैंने ये क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको हटा दिया, अब देखिए, ये देखिए, देखा आपने विद प्रूफ बैंडविड्थ सेट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आई होप मैंने अपना पूरा जो था ये इसमें क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आपने फिर ओके कर दिया। तो अभी अब आपने देख लिया कि इस ऐप को सेट कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या करते हैं। तो अपने मोबाइल में जो भी आगे बच्चे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ज़िद दूर करने के लिए, उनको सही से तरबियत देने के लिए ये ऐप काफ़ी इस्तेमाल हो सकती है कि आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी वो जिस चीज़ के एडिक्ट है, जिस ऐप के एडिक्ट हैं, उसमें ये लगा दो तो चेंज होता रहेगा बच्चा, क्योंकि एक ही चीज़ में मुस्तकिल लगा रहेगा तो हो सकता हो कि दिक्कत हो जाए। तो पेरेंट्स होते हुए तो आप बेहतर जानते हो बच्चे के बारे में, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक आपको तरीका बताया है कि जिस तरीके से आप मोबाइल के एडिक्शन छुड़ा सकते हो बच्चों में, ये ऐप मदद कर सकती है, ठीक है। तो जितना हो लोगों को बताओ इस बारे में, ऐप के बारे में बताओ कि इस ऐप से ये हो सकता है, हो सकता हो किसी के मदद से कोई बच्चा सही हो जाए, कुछ मदद हो सकती है जहाँ तक, क्योंकि मैंने जिन लोगों को बताया है उन लोगों का, काफ़ी लोगों का ये हुआ है कि हाँ बच्चों का काफ़ी सुधरे हैं, मोबाइल से थोड़ा हटे हैं वो लोग, ठीक है। तो उसमें मैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।